Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्लूटूथ बेस्ड रोबोट के प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारा प्रोजेक्ट है 8051 बेस्ड। तो ये हमारा लगा HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस, जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर कम्युनिकेट करेगा, और वो कम्युनिकेशन हमारा मोटर्स को कंट्रोल करने के काम आए। तो 9th और 10th और 11th पिन पे हमारी RX और TX पिन्स कनेक्ट होगी 8051 पे। ये हमने रीसेट सर्किट क्रिएट किया है, एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो हमने इंटरनली लगाई हुई है, 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये हमारी 33 पिकोफेरेड की दो कैपेसिटर लगाए हुए हैं, सिरम एक कैपेसिटर नॉन पोलर, इनका कॉमन ग्राउंड कर दिया हुआ है ताकि एक प्रॉपर क्लॉक पल्स दे सके हमारे माइक्रो कंट्रोलर। तो इसकी 31st पिन पे हमने एनेबल पिन पे हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगानी है ताकि इंटरनल मेमोरी फेच हो सके, नहीं तो हम एक्सटर्नल मेमोरी भी फेच कर सकते हैं, बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इतना हाई लेवल का मतलब होता नहीं है। 4 KB की मेमोरी होती है इंटरनल, तो उसमें हमारा काम हो जाता है। तो ये L293D सर्किट है हमारा, डुअल एच ब्रिज जो हमारी मोटर्स को कंट्रोल करवाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है L293D मोटर ड्राइवर का। तो ये यहाँ पे VCC कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारी इनपुट्स लगेंगी 2nd और 15th, 7th और 10th, यहाँ पे हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स की इनपुट लगेगी, और 3rd और 6th, 14th और 11th इन पे लगेंगी हमारी मोटर्स, और 4th 5th ग्राउंड करनी है, और 13th और 12th ये भी ग्राउंड करनी है। एक 8-pin VSS होती है, वहाँ पे हम 36 वोल्ट तक हम दे सकते हैं हमारी पावर, बट हम क्या करते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई बहुत होती है हमारी मोटर को चलाने के लिए, तो हम 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये एनेबल पिन है हमारी, दोनों साइड का डुअल एच ब्रिज है, तो दोनों साइड की एनेबल पिन हाई होनी चाहिए, तभी हमारा पोर्शन काम करेगा। तो ये L293D के बारे में था। तो ये हमने एक सर्किट बनाया, पावर सप्लाई सर्किट, जिसमें हमने एक स्विच लगाया, ब्रिज रेक्टिफायर, 1000 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, ताकि हमारी रेगुलेटेड वोल्टेज मिल सके इसे माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट। तो उसके बाद हमने 330 ओम की रेजिस्टेंस लगा के एक LED लगा दी, क्योंकि 1.8 से लेके 3.3 वोल्ट तक ये LED काम करती। तो ये हमारी नॉर्मल DC गियर्ड मोटर्स लगी हैं, 300 RPM, एक कॉस्टर लगा, और ये 18650 बैटरीज, एक इनका डिस्चार्ज रेट काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं ताकि हमारी मोटर्स को प्रॉपर पावर मिल सके। दो हमने सीरीज़ में लगाई है, 4 वोल्ट की एक बैटरी है, तो 8 वोल्ट तक ये पावर सप्लाई दे सकती है। ओके, तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। ऑन कर दिया हमने इसे, अब ये जो होगा ये हमारे फ़ोन के थ्रू कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं अभी ये लगातार ब्लिंक हो रही है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है किसी से भी। अभी हम इसे कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा हर ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 के लिए। तो ये कनेक्ट हो गया होगा, अब हमारी ऐप में जाते हैं हम, तो इसमें हम कंट्रोलर मोड में जाएंगे। अभी देखिए कनेक्ट हो गया, और एवरी 2 सेकेंड्स ये ब्लिंक होगी क्योंकि अब ये कनेक्ट हो गया होगा। तो अब इसे चला के देखते हैं। तो ये हमारी ऐप के थ्रू देखिए आप कनेक्ट हो गया हुआ। तो ये फॉरवर्ड,
बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप बैकवर्ड स्टॉप लेफ्ट स्टॉप स्टॉप। तो इस तरह से हम हमारे डिवाइस को कंट्रोल करवा सकते हैं। तो इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट करने वाली है, क्योंकि ये मतलब ऑटोमेटिकली उठ रहा है आगे से, क्योंकि प्रॉपरली हमने वैसे भी इसको बैलेंस करने के लिए बैटरीज आगे की तरफ रखी हैं, बट फिर भी ये प्रॉपरली हो नहीं पा रहा, तो हमें थोड़ा और वेट इंक्रीज करना पड़ेगा आगे वाली साइड, ताकि इसका एरोडायनामिक स्ट्रक्चर प्रॉपरली क्रिएट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर चैनल।